दिस इज मी सिमरन हंस एंड आई एम बैक विद लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट। ये अपडेट जो जुड़ी है बॉलीवुड के संजय बाबा के साथ। जी हाँ, संजय दत्त को संजय बाबा भी बोला जाता है बॉलीवुड में। और इस अपडेट की अगर हम बात करें तो अगर हमने फिल्म देखी हो ना संजय दत्त की खलनायक, वो फिल्म तो सबको याद होगी, 1993 में आई थी ये फिल्म। और इस फिल्म में हमें संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी लीड रोल्स में नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फेमस डायरेक्टर सुभाष घई ने और उस फिल्म को ऑडियंस का रिस्पांस जो है काफी अच्छा मिला था, काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म को लेकर रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त ने रिसेंटली अपने फिल्मी करियर को जो है एक नया मोड भी दिया है। संजय दत्त ने रिसेंटली एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है अपना, जिसका नाम उन्होंने रखा है संजय एस दत्त प्रोडक्शंस। इस प्रोडक्शन हाउस से पहली फिल्म प्रस्थानम बन के सिनेमा घरों में लग चुकी है और सेकेंड फिल्म से उम्मीदें की जा रही है कि वो फिल्म होने वाली है खलनायक का सीक्वल। वेल, खलनायक फिल्म जो थी सुभाष घई ने बनाई थी और सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके चलते संजय दत्त अगर ये फिल्म बनाना चाहते हैं तो इस फिल्म के राइट्स उन्हें सुभाष घई से लेने होंगे। तो रिसेंटली सुभाष घई से ऐसा क्वेश्चन किया गया था कि क्या इस फिल्म के राइट्स जो हैं आपने दे दिए हैं, तो सुभाष घई का कहना था कि फिलहाल हमने इस फिल्म के राइट्स जो हैं बेचे नहीं हैं। वहीं फिल्म मेकर्स की बात करें तो खलनायक 2 जो बनाना चाहते हैं उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द इस फिल्म के राइट्स जो है उन्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कास्टिंग की तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली कि संजय दत्त जब खलनायक 2 बनाएंगे तो उसमें कास्ट करना चाहेंगे टाइगर श्रॉफ को। वेल, अब देखना ये होगा कि संजय दत्त जो है जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए टाइगर श्रॉफ को कास्ट करते हैं या फिर अपने रोल के लिए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही इस फिल्म के बारे में कोई अपडेट आएगी या फिर संजय दत्त को इस फिल्म के राइट्स मिल जाएंगे, हम आपको गूगल बॉलीवुड के जरिए जरूर अपडेट दे देंगे।